इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, जहां पर पीएम जीएसवाई कार्यालय में हुए हादसे पर अब जांच की बात की जा रही है। जी हां, हादसे पर कार्रवाई की बात की जा रही है। मुख्य अभियंता ने उप अभियंता को किया निलंबित। कार्यालय का गेट गिरने से हुई थी बच्ची की मौत। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया था हंगामा। घटना के 12 घंटे बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। तो पीएम जीएसवाई कार्यालय में हुए हादसे पर कार्यवाही, पूरे 12 घंटे के बाद ये कार्यवाही यहाँ पर की गई। हमारे सहयोगी सोनू केदार इस खबर पे जुड़े हैं। सोनू, पीएम जीएसवाई कार्यालय में जो हादसा हुआ था, जिसमें कार्यालय का गेट गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई थी, 12 घंटे के बाद प्रशासन ने यहाँ पर कार्यवाही की है। सोनू, सोनू मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सोनू, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मेरी आवाज आपके तक आ रही है? जी, पीएम जीएसवाई कार्यक्रम में जो एक घटना हुई थी, उसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी गेट गिरने से, जिसके बाद 12 घंटे बाद यहाँ पर कार्यवाही की गई है। जी, दरअसल पीएम जीएसवाई ने बिल्डिंग बनाया था, बहुत ही घटिया निर्माण किया गया था। उसमें जो गेट लगा था, बाउंड्री का जो गेट था, ढाई क्विंटल का गेट था, उसका जो कब्जा लगा हुआ था, बहुत ही घटिया निर्माण हुए थे। उस कब्जे में बच्चे खेल रहा था, कल की बात है पूरी, और उस बच्चे के ऊपर पूरा गेट गिर गया, उस बच्चे की वहां पर मौत हो गई। फिर मौके पर प्रशासन का अमला पहुंचा था, उसके बाद कार्रवाई करने की बात कर रही थी। लेकिन प्रशासन की, जैसे कि कल देर शाम मीटिंग हुई है, उसके बाद आज सुबेरे आदेश जारी किया गया है और एक एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है पूरे मामले पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।